आइए, हायर परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 10 नंबर का आएगा, ठीक है। हेलो, क्या वो चार्जर आ रहा है क्या? आइए, आने दीजिए सबको, तब तक हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब तक सबको आ जाएंगे हम लोग का प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। हायर परचेज, हम लोग जो टीवी खरीदते हैं, कोई शोरूम से लेंगे आप लोग, मैं किसी का पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, ग्रेट ईस्टर्न है, रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स है, खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। तो जब आप कोई भी टीवी खरीदते हैं उनसे, तो यू हैव टू परचेज ऑप्शन, आइदर यू हैव टू मेक द फुल पेमेंट, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में वो लोग आपको ऑप्शन देगा क्या कि आप इंस्टॉलमेंट में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये इंडिया है, यहाँ गंवारों की कमी नहीं है, 99% लोगों को ये चीज नहीं पता है, राइट। हम लोग जो टीवी खरीदते हैं कोई भी दुकान में जाकर, है ना, दे अलाउ अस टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स, राइट। तो हम टीवी खरीद के ले आए, कल को मान लो जो किस्त है 12 महीने का किस्त था, हमने एक आधा किस्त दिया, अब हम किस्त देना बंद कर देते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है ना क्या होता है, सेलर आएगा और टीवी उठा के ले जाएगा, क्योंकि अपने को ओनरशिप कब मिलेगा, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज हमने जो टीवी जो खरीदा है शोरूम से, जिसमें हम किस्तों में पैसा दे रहे हैं, दैट इज नॉट हायर परचेज, दैट इज इंस्टॉलमेंट परचेज। देयर लाइज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जिसका सेल्स वैल्यू छोटा होता है, उसमें कभी भी हायर परचेज सिस्टम फॉलो नहीं होता है, उन सब में इंस्टॉलमेंट परचेज स्कीम फॉलो होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, दैट आई विल टेल यू नाउ। हमारे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएगा, वो टीवी का हो, चाहे वॉशिंग मशीन का हो, चाहे वो ट्रक का हो, चाहे वो एसी का हो, वॉट एवर इज द प्रोडक्ट मेंशनड, हमारे एग्जाम में डीम्ड वो हायर परचेज का सम है। हमने आपको बोला ना अभी कि टीवी के केस में हायर परचेज होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में वो ऐसा बेवकूफ सेलर ही होगा, वो बेवकूफ सेलर ही होगा जो टीवी के केस में हायर परचेज स्कीम ऑफर कर रहा है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक बार कस्टमर अपने घर पे ले गया, उसका क्या जाएगा, 24 घंटा टीवी चला के रख देगा। वंस यू परचेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सेकेंड डे उसका रीसेल वैल्यू इज वेरी लेस, तो वो रीपोजेस करके करेगा क्या उस टीवी का। कल को मान लो अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं, तो क्या करेगा, सेलर आएगा आपके घर में, उस टीवी को उठा कर ले जाएगा, उसको बोलते हैं रीपोजेस, क्या बोलते हैं उसको, रीपोजेस, उठा कर ले जाएगा, क्या करेगा उस री सेकेंड हैंड टीवी का, वो किसी को बेच पाएगा नहीं, राइट, यस और नो। अगर वो कोई गाड़ी होता, कोई ट्रक होता, 6 महीना के बाद वो किस्त देना बंद कर दिया, पूरा गाड़ी उठा के ले आएंगे, उसमें हमको फायदा है, थोड़ा बहुत रिकंडीशनिंग करेंगे, वापस से किसी को बेच देंगे। कार सेकेंड हैंड कैन फेच अ वैल्यू, बट टीवी सेकेंड हैंड विल नॉट अ फेच अ वैल्यू। कभी आज तक देखें किसी को बोलते हुए मेरा सेकेंड हैंड टीवी ले लो, अगर कोई खरीदता भी है तो आधा से आधा दाम में भी खरीदेगा, आधा से आधा दाम मतलब समझते हैं, 40,000 का अगर टीवी है तो 10,000 भी मुश्किल से कोई दे दे तो गनीमत है, होता ही नहीं है इन सब चीजों का रीसेल वैल्यू। एसी, 20,000 का एसी खरीदे हो, 5,000 रुपये भी कोई नहीं देगा एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो उसको, राइट। तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हायर परचेज स्कीम में और इंस्टॉलमेंट परचेज स्कीम में। आपके एग्जाम में थ्योरी आ सकता है 3 मार्क्स का,
आपको बोलेगा राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट परचेज एंड हायर परचेज स्कीम, ये सबको पता होना चाहिए। आप लोग पढ़ाई करने के बाद तो जॉब में जाएंगे ना कि घर में बैठ के खाना पकाएंगे? बोलो लड़कियों, जॉब में जाओगी, जोर से बोलो, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, जॉब में जाओगी राइट, खाना पकाओगी थोड़ी। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट परचेज एंड हायर परचेज। आई एम गारंटीड तुम्हारा जिससे शादी होगा उसको भी नहीं पता होगा डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज, तो भी नहीं पता होगा उसको। हाँ, अगर हमारे यहां से पढ़ा हुआ होगा तब उसको पता होगा। कुछ कुछ तो डिफरेंस है, वी कैरी एन एक्स फैक्टर विथ अस, दैट इज वाई यू आर एसोसिएटेड विथ अस, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है राइट। आइए, पहले मैं आपको हायर परचेज स्कीम बताता हूं राइट। हायर परचेज स्कीम में स्टार्टिंग में पोजीशन मिल जाता है राइट उसके बाद एक अग्रीमेंट किया जाएगा। क्या चीज का अग्रीमेंट? टू पे द अमाउंट ड्यू इन इंस्टॉलमेंट्स। पहला महीना ड्यू हुआ, पैसा मिल गया, ड्यू हुआ पैसा मिल गया, ड्यू हुआ पैसा मिल गया, ड्यू हुआ पैसा नहीं मिला। जरूरी नहीं है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट तक वेट करेगा, वो चाहे तो यहां पर भी क्या कर सकता है, री पोजेशन वापस ले लेगा वो गुड्स। सर ऐसा हो सकता है कि आपने जिस कंडीशन में रिपोजेस किया है उसको रीसेल करने के बाद आपको उतना नहीं मिले, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन होता है, कुछ कर नहीं सकते ना। पूरा नुकसान होने से अच्छा है थोड़ा सा रिकवर हो जाए, ये सोच से हम धंधा कर रहे हैं राइट। तो हमारे बीच अग्रीमेंट हुआ कि आप पोजीशन ले जाइए, इस गुड्स का जो भी दाम है, वॉट एवर इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट यू पे मी इन इंस्टॉलमेंट। अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है, इफ यू फेल टू पे आई विल कम टू योर हाउस एंड वेन यू गो टू हिज हाउस यू हैव टू इन्फॉर्म द लोकल थाना कि जा रहा हूं उठाने के लिए। थाना वाला बोलेगा उठाने जा रहे हो? नहीं, सामान उठाने जा रहे, सी द अग्रीमेंट, ही हैज फेल्ड टू पे राइट। सो उसके घर जाएगा और टीवी उठा के ले आएगा। अगर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तो उसको ओनरशिप दे दिया जाएगा राइट। उसको क्या दे दिया जाएगा? ओनरशिप दे दिया जाएगा एंड फ्री फ्रॉम अग्रीमेंट, उसको अग्रीमेंट से मुक्त भी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तो पूरा फॉर्मेलिटीज वो पूरा कर चुका, सारा अमाउंट दे चुका, दिस इज हायर परचेज। ये उन गुड्स के केस में फॉलो किया जाता है, गुड्स विच हैव रीसेल वैल्यू, कार, ट्रक। इज दैट फाइन? सेम चीज इंस्टॉलमेंट परचेज स्कीम, आईपी स्कीम, आई विल गिव यू द पोजिशन प्लस ओनरशिप। तो लोगों को क्या लगता है, कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, सामान भी दे दिया, ओनरशिप भी दे दिया, बोला जाओ ले जाओ, और कहता है किस्तों में पैसा दे देना। तो लोग ऐसा ही करेंगे ना भैया, दो चार तो देने के बाद में देना बंद कर देंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा देखिए, अग्रीमेंट किया जाएगा आपसे,
वही पैसा देने वाला, डी हुआ आपने दे दिया, डी हुआ आपने दे दिया, डी हुआ आपने दे दिया, डी हुआ आपने नहीं दिया, तो अपने को पता है नो रिपोजेशन, तो सर सेलर को तो घाटा लग जाएगा। नहीं बेटा, फाइल सूट फॉर डैमेजेस, घसीटते हुए पूरी सोसाइटी के बीच सड़क से उसको कोर्ट ले जाया जाएगा, घसीटते हुए। हिंदी मूवीज तो आप लोग बहुत देखते होंगे, सॉर्ट ऑफ दैट, राइट। और अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया है तो ओनरशिप तो आपको पहले ही दे चुके थे हम, अग्रीमेंट से मुक्त कर देंगे, क्योंकि सेलर को पता है रिपोजेस करके आई विल नॉट बी एबल टू फेच दैट वैल्यू, राइट। इज दैट फाइन? तो ये उन केसेस में फॉलो जाता है, गुड्स विच हैव नो रीसेल वैल्यू और लो रीसेल वैल्यू, जैसे टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो काफी सारा पॉइंट्स आप लोगों को मिल गया, डिफरेंसेस आएगा, अच्छे से लिख कर आइएगा एकदम। इज दैट फाइन एवरीवन? किसी को कोई दुविधा, कोई तकलीफ तो पूछ लो। थिंग सर, आइए अब हम लोग आते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। हम लोगों को तो अकाउंट्स का क्लास है हमारा, तो हम लोगों को अकाउंटिंग सिखाना चाहिए सर आपको, राइट। उसी चीज का पैसा भरे हम। ये हो गया सबका, हंसता क्या है? तो हम लोगों के एग्जाम्पल में टीवी आएगा एग्जाम में, या कार आए, या ट्रक आए, या टेम्पो आए। फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑलवेज इट इज वॉट, हायर परचेज स्कीम, हमेशा याद रखना ये बात। बगल वाला बोलेगा ना ये टीवी है, देख एचपी है ना, मतलब टीवी है, इंस्टॉलमेंट परचेज स्कीम है ना, क्या बोलना उसको? मतलब सर ने बताया है सम्स करते वक्त हम लोग सम करते वक्त हम लोग दोनों सेम मानते हैं, एंड एग्जाम में हायर परचेज स्कीम, इज दैट फाइन? अब इसमें काफ़ी सारा टर्मिनोलॉजीज है, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं दुकान में जाता हूँ और पूरा पैसा एक बार में दे देता हूँ तो उसको बोलते हैं हम कैश प्राइस, क्या क्या बोलेंगे उसको? दुकान में गया वर्मा जी और पूरे पैसे मैंने आपको एक बार में दे दिया, क्या बोलेंगे उसको? कैश प्राइस, राइट। दुकान में गया, मैंने आपको कहा मैं आपको किस्तों में दूंगा पैसा, कैसे देंगे आप? बोला 2000 अभी दे दूंगा और फिर हर महीने मैं आपको 3000 करके दूंगा। तो 2000 अभी दे दिया, हाँ, और 3000 करके 12 इंस्टॉलमेंट कितना होता है? 36000। तो 38000 रुपया आया ना अमाउंट। दिस 38000 इज नोन एज हायर परचेस प्राइस, क्या बोला जाता है इसको? यहां पे सेलर दो काम कर रहा है, एक कर रहा है सेलिंग का और एक कर रहा है फाइनेंसिंग का, बरोबर है? अरे भैया किस्तों में देना है पैसा, तो हमारा पैसा तो फंस गया ना, पैसा मांगने का आता है। प्लीज बोलो ना, एक बार बोलो मांगने का आता है, एक बार बोलो, बोलेगा पैसा मांगने का आता है? अगर आप लोग बोलेंगे कि पैसा मांगने का आता है तो एक काम करता हूं, मैं कटोरा लेके खड़ा हो जाता हूं, आप लोग मेरे को उधार दे दीजिए 3-4 महीने के लिए, जिसके पास जितना है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, राइट, उतना दे दीजिए। समझ में आ रहा है? पैसा मंगने का नहीं है, मनी हैज कॉस्ट,
दैट कॉस्ट इज नोन एज इंटरेस्ट कॉस्ट. तो मैं आपको सेलिंग कर रहा हूं तो उस पर तो मैं कमा ही रहा हूं प्रॉफिट. अभी मैंने आपको फाइनेंसिंग किया है तो मैं क्या कमाऊंगा? इंटरेस्ट. तो जब आप बोलेंगे मैं आपको किस्तों में पैसा दूंगा तो बट ऑब्वियस है क्या? बट ऑब्वियस है ये कैश प्राइस से ज्यादा ही होगा. यस और नो? 2000 अभी दे रहा है वो, 3000 करके 12 इंस्टॉलमेंट 36000 कितना हुआ बेटा? 38. पता है एक बार में देने से कितना देना पड़ता? 35000. 3000 ज्यादा देना पड़ रहा है, 3000 ज्यादा देना पड़ रहा है, दैट इज इंटरेस्ट. 35000 में तो हमारी कमाई है ही, क्योंकि कोई अगर एक बार में पैसा देके खरीदेगा तो उसमें भी हमने कमाया है. तो हायर परचेस स्कीम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑफ इनकम ऐड हो जाता है. दैट एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑफ इनकम विच गेट्स एडेड टू माई पोर्टफोलियो इज इंटरेस्ट, बिकॉज आई एम अलाउइंग हिम टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स. इज दैट फाइन? हाँ बोलो बेटा, सुनो मेरा बात. वी विल कम टू व्हाट द मार्केट इज ऑल अबाउट. मार्केट में बोलता है कि जीरो इंटरेस्ट, बेवकूफ बनाता है तुमको. सुनो मेरा बात सुनो. इफ यू गो एंड बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ शॉप, दे टेक्स यू बाय डाउन चार्जेस. 2% का लोग तुमसे बाय डाउन चार्ज लेता है. एंड सेलर से वो फाइनेंस कंपनी और 2% लेती है, तो कुल मिला के होगा 4%. तो वेन यू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट यील्ड फॉर द फाइनेंसर, इट कम्स टू 8-10%. 2% हम लोगों से ले लेता है स्टार्टिंग में ही प्रोडक्ट प्राइस का, और 2-2.5% वो लोग सेलर से लेता है. कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाइए ना, बजाज फाइनेंस है, फ्यूचर कैपिटल है, कितना सारा फाइनेंस कंपनी लोग बैठा रहता है. प्रोडक्ट का दाम 28000 है लिखा है, वो 28000 इज एचपी प्राइस. यू नो, यू टेल हिम दैट आई विल पे यू वन शॉट में पूरा पैसा, 27000 कर देगा तुम्हारे लिए मिनटों में. लेकिन व्हेन यू से दैट आई विल पे इंस्टॉलमेंट, 28 ही लगेगा. एंड उसमें दे टेक 2% एक्स्ट्रा फ्रॉम यू, तो यू हैव टू पे 28520. वो 2% अभी ले लेगा तुमसे स्टार्टिंग में, और जब सेलर को वो लोग पैसा देगा तो 2% काट के देगा, तो उनका जो स्प्रेड है 4% का स्प्रेड हो गया. इंटरेस्ट बोल के नहीं ले रहा तुमसे वो, ये अदर चार्जेस में वो इंटरेस्ट का एलिमेंट तुमसे ऑटोमेटिकली ले ले रहा है. अरे भैया, हम तुमसे कोई भी चीज मंथली करके बोल के ले या तुमसे छुपा के ले, बात तो वही हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पूरे साल का इंटरेस्ट पेमेंट है मान लो 2000 रुपये, हम तुमसे स्टार्टिंग में 1000 रुपये ले लिया, हो गया. क्योंकि उस जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो ओवर द इयर्स मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे इंटरेस्ट का. हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट इज इंक्लूडेड, उसका वो लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेगा. प्रेजेंट वैल्यू करके आएगा और उसको उसको दूसरा नाम दे देगा, बाई डाउन चार्जेस. जाओ अगर इंस्टॉलमेंट स्कीम में खरीदना तो 2% वाला ये चार्ज देना पड़ेगा. एनीथिंग इज पॉसिबल. आई कैन हाइक द सेलिंग प्राइस. यू मे नेवर नो दैट सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स द इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट एलिमेंट. समझ में आ रहा है? धंधा पैसे से होता है और पैसे मंगने में नहीं आता है, ये दिमाग में डाल लो. आज हम लोग अपना फ्रेंड को बोलते हैं भैया 500 रुपये दे दे, 100 रुपये दे दे, दे देता है, बिकॉज वो लोग पढ़ा नहीं है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी. जिस दिन पढ़ लेगा ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 5 पैसा भी नहीं देगा उधार में. अब मांग के देखो आज के क्लास के बाद किसी से कोई पैसा, कोई नहीं देगा. मत देना. समझ में आ रहा है? 1000 रुपया भी अगर ये लड़की तुमसे एक महीना से लेके रखी है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, 10 रुपया होता है, एक डेयरी मिल्क आ जाएगा उसमें. लोग उधारी देते हैं, हाँ, जहां ज्यादा उधारी मिलता है तुम लोग वहीं से खरीदते हो. कंपेयर कर लेना अपना प्रोडक्ट का प्राइस. बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग जो 6-8 महीने को उधारी देता है ना, वो लोग उसमें प्रोडक्ट प्राइस में अपना इंटरेस्ट एलिमेंट जोड़ लेता है पहले से ही. ठीक है, एनीवेज, राइट. सो आइए,
कैश प्राइस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश प्राइस का मतलब क्या है? ठीक है, फुल पेमेंट डन एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। अगर आप पूरा पैसा दे देते हैं राइट तो उसको कैश प्राइस बोला जाता है। इफ द बायर पेज द फुल अमाउंट, एचपी प्राइस मतलब हायर परचेज प्राइस क्या होगा? साइनिंग के टाइम में आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 1/3 और 25% ऑफ द टोटल प्राइस। प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। राइट? और हर एक इंस्टॉलमेंट में जितना भी इंस्टॉलमेंट है उसमें क्या इंक्लूडेड है? इंटरेस्ट, 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 इंटरेस्ट। डाउन पेमेंट में जीरो इंटरेस्ट। तो सर कैन आई से दैट हायर परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू, कैन आई से हायर परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट? यस, व्हाई कांट यू से? डाउन पेमेंट जो मैंने किया ये कैश प्राइस का एलिमेंट है। हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है दैट विल एड अप टू टोटल इंटरेस्ट, और हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल है दैट विल एड टू कैश प्राइस। आज इसी पैसा को आप तोड़ तोड़ के दे रहे हैं ना, इसीलिए आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो हमारे क्वेश्चंस में यह हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अभी ये इंस्टॉलमेंट डिजाइन कैसे होता है, मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा? यस और नो? हाँ या ना? तो ये सारी चीजें मैं अब आपको बताऊंगा। आई विल गिव यू 3-4 एग्जांपल्स, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। टेल अस द इंटरेस्ट अमाउंट इन ईच इंस्टॉलमेंट। They will tell us the interest amount in, ask us interest amount in each installment. Or they will give you down payment and sum of all installment. They will ask you the cash price. तो क्या करेंगे? Down payment पूरा cash price का part है और हर installment से interest वाला part हटा देंगे। जब सारा part को जोड़ देंगे तो cash price आ जाएगा। अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा हम लोगों को। इज दैट फाइन? हाँ, आइए। सेलर दो टाइप का फंक्शन दे रहा है, एक सेलिंग का और एक फाइनेंसिंग का। अपने फाइनेंसिंग एलिमेंट निकालना सीख रहे हैं अभी। आइए एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल 1,
कैश प्राइस 8,400, मतलब एक बार में पैसा देके खरीदोगे तो 8,400 में दे देंगे। एचपी स्कीम क्या है? डाउन पेमेंट बोलता है, दो हजार थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट्स रुपीज 2400 एट द एंड ऑफ ईच ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। फाइंड आउट इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। एग्जाम में एक वर्डिंग यूज करेगा बेटा, इस टाइप का इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स। क्या मतलब? इंस्टॉलमेंट अमाउंट इक्वल है, इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब अलग हो गया और इक्वेटेड का मतलब अलग हो गया। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल पार्ट है वो हर इंस्टॉलमेंट में सेम है, और इक्वेटेड मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज सेम। ठीक है, इक्वेटेड का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट जितना भी है उतना सेम है, 2400 2400 2400 2400 करके, और इक्वल इंस्टॉलमेंट का बोलने का मतलब होता है हर इंस्टॉलमेंट में, क्या हर इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल पार्ट है वो सेम है। राइट, अभी कैलकुलेशन देखेंगे, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बताऊंगा, एक फॉर्मेट दिखाऊंगा, उसी फॉर्मेट में आपको सारा सम करना है, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए उसमें। इज दैट फाइन? हाँ, समझ में आ रहा है? आइए, सपोज मान लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है, सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईयर अमाउंट ड्यू इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पेड बैलेंस एट द एंड। हर बुक्स में अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, हमको ये सिंपल लगता है, मैं इस तरीके से बनाता हूं,
किसी बुक्स में कोई और फॉर्मेट से दिया आप लोग वो फॉलो कर सकते हैं, बट मेरे को ये इजी लगता है तो आई डू इट लाइक दिस। फर्स्ट ईयर जिस साल मैंने खरीदा है, स्टार्टिंग में अमाउंट ड्यू क्या होगा? आठ हजार चार सौ कैश प्राइस है। अच्छा एक बात और बताना भूल गया, यहां पे देखो एचपी प्राइस कितना आ रहा है, 2000 प्लस 2400 इंटू तीन इंस्टॉलमेंट, हाँ या ना, 9200। तो देखो कैश प्राइस कहाँ, 8400 और एचपी प्राइस 9200, तो साफ दिख रहा है ना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। आप अगर किस्तों में पैसा देंगे तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा कि कम? ज्यादा देना पड़ेगा, साफ एविडेंट है, इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम। अब मैंने आपको लिखाया अभी एचपी प्राइस में टोटल जो पेमेंट करते हैं हम ओवर द ईयर्स, तो हमने 2000 स्टार्टिंग में दे दिया और 2400 करके तीन ठो देंगे, तो 9200 मैं टोटल पेमेंट करूंगा। अगर आज एक ही बार में दे देता तो ये जो 800 का जो गैप है, सेलर 800 रुपया ज्यादा कमा रहा है, तो ये जो सेलर 800 ज्यादा कमा रहा है, इज इट द प्रॉफिट एलिमेंट और इट्स द इंटरेस्ट एलिमेंट? प्रॉफिट एलिमेंट किसके अंदर होगा? 8400 के अंदर में उसका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और ये जो 800 है ये इनडायरेक्ट इनकम हो गया इसका, फाइनेंसिंग वाला पार्ट। इसमें क्या छुपा है 8400 में कैश प्राइस में? इस कैश प्राइस में प्रॉफिट, मेहनत, स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है, मेहनत, ओके वेट, ब्लड, खून पसीना, स्वेट, हार्ड वर्क, ये सब है। और ये 800 रुपया ये कैसा काम हुआ? ये पूंजीपति वाला काम हुआ, पैसे का पावर है बोल के उसको भी खटा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइए, तो पहला साल के अंत में, समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ, वो इंटरेस्ट निकालना अपने को। तो सर शुरू में 8400 ड्यू था, आज के दिन तो 8400 ड्यू होगा ना, अभी तो कहां आया, आने वाला तीन साल आएगा, उसमें से 2000 हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया, तो आज के दिन ड्यू कितना है, 6400। क्या रीपेमेंट कर रहे हो भूल जाओ, अभी स्टार्टिंग से देखो कैश प्राइस दिया हुआ है सर 8400 में से 2000 तो अभी दे दिया, तो एक्चुअल में वो फाइनेंसिंग कितने का कर रहा है? 6400। अच्छा इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम है। अच्छा आप लोगों का कैलकुलेशन से तो होगा नहीं, हमको अपना कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, माय कैलकुलेटर इज दिस, इज दैट फाइन एवरीवन? तो 6400। अच्छा अब इंटरेस्ट निकालो पूरे साल का, छह, अब तो कुछ और नहीं दिया ना, अब तो पहला साल के अंत में देगा, अभी तो कुछ नहीं दे रहा है, तो इंटरेस्ट पूरे साल का निकलेगा 6400। अकाउंट्स की क्लास में आए बिना कैलकुलेटर लेके, तुमसे बड़ा बेशरम आदमी इस दुनिया में नहीं देखे हम। वर्मा यू डोंट हैव टू शो मी स्पेसिफिकली दैट यू हैव गॉट अ कैलकुलेटर, अलग से हमको ऐसे दिखा रहा है कि मैं लाया हूं। छह हजार चार सौ इंटू 6% 384, हाँ या ना? अच्छा मेरा बात ध्यान से सुन सुन, 6400 384 टोटल कितना हो रहा है? 6784। इसमें से हमने एंड में 2400 दे दिया, तो इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो, तो ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी, इतना बाकी था, इतना इंटरेस्ट जुड़ा, इतना दे दिया 4384। तो सेकेंड ईयर में
4384, मैं गलत लिख रहा हूँ? पिछले साल, यस सर, कौन बोला? हाँ, पिछले साल का जो अमाउंट ड्यू एट द एंड है उसी को ना अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे कि बीच में खा गए? 31 मार्च को रात में 12 बजे बैलेंस निकाला और 1 अप्रैल को बैलेंस चेंज हो जाएगा, यही तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। 8400 देना था, स्टार्टिंग में 2000 दे दिया, मतलब फाइनेंसिंग कितने का हो रहा है? 6400 पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला। हाँ, 6784 आया, टोटल आ रहा है 6784, उसमें से 2400 दे दिया एंड में, तो बचा कितना बैलेंस? 4384, अगला साल का ओपनिंग आ जाएगा। अब अगला साल इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इंटू 6%, 263 राउंड ऑफ करके लिखेंगे, उतना टाइम नहीं है भाई के पास। 4384, अच्छा फिर से 2400 दे देंगे, 4384 प्लस 263, 4647, उसमें से 2400 माइनस कर दो, 2247, ठीक है, आया ना? तो ये थर्ड ईयर का बिगनिंग में आ जाएगा, ठीक है ना भाई? अब ध्यान से देखो, 2247 का 6% करो, 134 हो रहा है, लेकिन अपने लिखेंगे 153, लास्ट वाला का इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर लिया जाता है। इतना लेना कि ये 2400 आ जाए और लास्ट में जीरो बचे, बैलेंसिंग फिगर। इज दैट फाइन? हाँ बोलो। हाँ, अभी अपने क्या करेंगे पता है? एलोकेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आइए हटा दें इसको, प्लीज डू नॉट टॉक, बस कूल। अभी बनेगा एलोकेशन टेबल, पेमेंट, कैश प्राइस, पेमेंट अमाउंट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट। ध्यान देना, डाउन पेमेंट कितना था रे? 2000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था? 2400। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भाई? थर्ड इंस्टॉलमेंट भाई? सुनो, पहला इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट में जो दिया वो कौन सा एलिमेंट माना जाएगा? कैश प्राइस का हिस्सा है कि इंटरेस्ट है? वो कैश प्राइस का, तो शुरू में कुछ भी नहीं है, आज के आज ही दे दिया, क्या बात का इंटरेस्ट भैया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था फर्स्ट ईयर का? तो बाकी का कैश प्राइस एलिमेंट होगा, बताओ। 2016। सेकेंड वाला में इंटरेस्ट कितना था? 263, 2137। और लास्ट वाला में कितना आ रहा है? 22। आंख बंद करके टोटल करना, यही आएगा। हमने बताया था ना, हर इंस्टॉलमेंट में एक पी होता है, एक आई होता है,
एक पी होता है, एक आई होता है, एक पी होता है, एक आई होता है। इंटरेस्ट अमाउंट को इंक्लूड कर लिया, टोटल मारेंगे आ जाएगा आंसर, और डाउन पेमेंट में खाली पी होता है। इज दैट फाइन एवरीवन? कोई तकलीफ किसी को? हाँ, बोलिए जनता। ठीक है, आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर टू, कई सारा एग्जाम्पल कराऊंगा आप लोगों को, बहुत बच्चे देखे नहीं है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर इफ दे आर स्लो काइंडली पॉज द वीडियो एंड कॉपी एंड देन मूव अहेड, राइट। आइए, प्लीज डोंट टॉक, व्हाट इज दिस? एग्जाम्पल टू, कैश प्राइस 1 लाख, एचपी स्कीम क्या बोलता है? ₹10,000 डीपी, डिस्प्ले पिक्चर नहीं, डाउन पेमेंट, एंड अग्रीड टू पे द बैलेंस इन 3 equal installment together with interest at the rate 9% per annum. Calculate interest included in each installment. Solution. ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था ना, यह है इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस। मतलब हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल विल बी सेम। इसका मतलब 1 लाख में से 10,000 का डाउन पेमेंट दे दिया तो बैलेंस कितना बचा? 90 डिवाइड बाई 3, हर इंस्टॉलमेंट में 30,000 30,000 30,000। तो पहला इंस्टॉलमेंट में 30,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन व्हाट अमाउंट? 90,000। तो पहला इंस्टॉलमेंट में 1 लाख में से 10,000 बात दे दो, बचा कितना? 90,000। 90,000 को कैसे दूंगा? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कैसे? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 90,000 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। हाँ या ना? कितना आएगा? 30,000 आएगा। 90,000 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। हर इंस्टॉलमेंट में 30 30 30 देंगे प्लस ब्याज जोड़ के देना है। तो पहला इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना करके आएगा? फर्स्ट ईयर में ड्यू कितना था? 90। तो 90 का इंटरेस्ट प्लस 30। सेकेंड वाला में 60 का इंटरेस्ट प्लस 30। थर्ड वाला में 30 का इंटरेस्ट प्लस 30,000। एकदम सिंपल है, देखना कैलकुलेशन में भी वही चीज आएगा। आइए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ईयर अमाउंट ड्यू एट बिगिनिंग, एक ही बात है।
इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट ड्यू एट एंड। यहां पे एचपी स्कीम बताया बट एचपी प्राइस नहीं बताया हुआ, ठीक है ना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं पता, पता है देना कैसे है। फॉर्मेट वही है, मैंने आपको क्या बोला था, फॉर्मेट फॉर्मेट। फर्स्ट बताओ अमाउंट ड्यू एट द बिगिनिंग कितना है, 90,000। वेरी गुड, बहुत तरक्की करोगे अपना जिंदगी में, क्योंकि 1,00,000 में से 10,000 दे दिया तो अमाउंट यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग कितना है, 90। ब्याज बोल बेटा 9% के हिसाब से 8,100, ठीक है। अच्छा पहला इंस्टॉलमेंट कोई बताएगा क्या, 90 × 3 = 30 प्लस इस साल का ब्याज, बोल दिया ना इंस्टॉलमेंट क्या है, टुगेदर विथ इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इज 30, 90/3 तो 30 प्लस 8,100 दैट कम्स टू हाउ मच, 38,100 बैलेंस 60 बचेगा ना, ए बी सी, ए प्लस बी माइनस सी, बोल भाई सेकेंड ईयर में कितना, 60,000 इंटरेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत तरक्की करेगा। इंस्टॉलमेंट बताओ 30,000 प्लस 54 दैट कम्स टू, लास्ट में 30,000। बोल भाई 30 ही बचा ना, कितना आएगा 2,700, सो 30,000 प्लस 2,700 कितना आ रहा है, देख लो भैया किसी को कोई दुविधा है तो बोलो। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी आ गया, तो पिछला समय और इस समय फर्क देख रहा है, पिछला समय इंस्टॉलमेंट वॉज 2,400, यहां पर 38,100, 35,400, 32,700, इंस्टॉलमेंट अलग अलग, बट उस इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल पार्ट है वो सेम है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेटेड एंड इक्वल, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ब्रो, ओके। फॉर्मेट मैंने चेंज नहीं किया, सम चेंज हो गया लेकिन फॉर्मेट मैंने चेंज नहीं किया, फॉर्मेट आई हैव केप्ट इट सेम, राइट। इसी फॉर्मेट से हम लोग बाकी सारे सम्स भी करेंगे, फर्क सिर्फ यही है कभी बैक करना पड़ेगा कभी फ्रंट करना पड़ेगा। कैन यू टेल मी, कैन एनीवन टेल मी व्हेन वी हैव टू डू बैक कैलकुलेशन, जब कैश प्राइस नहीं देगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिमाग खुलने लग गया, यही चाहिए था मेरे को, समझ आ रहा है। अरे भाई तुम इंस्टॉलमेंट अमाउंट दो चाहे नहीं दो, कैश प्राइस देगा तो हम निकाल लेंगे फॉरवर्ड कैलकुलेशन करके, फाइनेंसिंग पता चल जाएगा कितने का हुआ डाउन पेमेंट माइनस करके, पहला साल का ब्याज जोड़ देंगे, या तो इक्वेटेड होगा या इक्वल होगा, दोनों सर करा चुके हैं, एंड वाला अमाउंट आएगा उसको अगला साल बिगनिंग में लेकर जाएंगे, फिर ब्याज निकाल देंगे, इस तरीके से करते चलेंगे भैया। तो फॉरवर्ड आई नो, नाउ बैकवर्ड, नाउ बैकवर्ड, बैकवर्ड में सब दे देगा खाली कैश प्राइस नहीं देगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्या बोलते हैं, बहुत 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 आसान है, आसान नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। तो लव नेक्स्ट एग्जाम्पल 3,
एग्जाम्पल थ्री, आऊं एग्जाम्पल थ्री में आऊं? आइए लिखिए आप लोग एग्जाम्पल थ्री। मिस्टर शर्मा, शर्मा यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो। मिस्टर शर्मा परचेस्ड a sports car from Star Sports Limited on 1st of January 2014। हमने गाड़ी खरीदी है स्टार स्पोर्ट्स लिमिटेड से 1 जनवरी 2014 को। ही पेड रुपीस 1,40,000 एज डीपी एंड बैलेंस इन 3 installments of rupees 1,06,98,000 and rupees 1,10,000 at the end of each year. Interest at the rate 10% per annum included in the installments। एक बच्चा ना हमको आके बहुत चिल्लाया मेरे पे एक दिन, तो आपको कुछ नहीं आता है? हम बोला नहीं आता, तो बोला पता है आपको, पता है आपको, पता है कैश प्राइस का सम आ गया। आप तो मतलब गंवारगिरी का कितना हद होता है देखो। बोला कैश प्राइस का सम आ गया, इसमें से कैश प्राइस निकालना पता नहीं है ना अपने को। देखो डाउन पेमेंट पता है और सारा इंस्टॉलमेंट पता है, ठीक है? डाउन पेमेंट पता और सारा, तो मेरे को ऐड करने से एचपी प्राइस आएगा, कैश प्राइस निकालना है। बच्चा आया एकदम गुस्सा, पांचड़ा आदमी लेके आया था साथ में, बोला आप है मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं, बहुत कुछ बोला मेरे बारे में, मतलब बता नहीं सकता हूं मैं। बोलता है आप तो पढ़ाए थे इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, आप छाती ठोक ठोक के बोलते थे इसके बाहर नहीं आएगा। पहला बात, तुम कभी ऐसा बात बोले नहीं है। पता है मेरे एग्जाम में क्या आया? वो बोल रहा है मेरे एग्जाम में ना एक्सक्लूडिंग वाला आ गया, मतलब उस गंवार का ये कहना है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है और कैश प्राइस का सम है। मैंने उसको बोला 1,40,1,06,1,98,1,10,000 बेटा इसको जोड़ो तो। अच्छा जोड़ते हैं जोड़ते हैं जोड़ते हैं, ऐसे गुस्सा गुस्सा में बोला। तो मैंने जुड़वाया उससे, आया 4,54,000। मैंने बोला
यही है कैश प्राइस। मैंने अभी क्या बोला आपको? अब हर चीज तो पॉसिबल नहीं ना, विथ एग्जाम्पल। मैंने आपको पहले बता दिया था इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है। इंस्टॉलमेंट में अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब वो कैश प्राइस का पार्ट बनेगा, और डाउन पेमेंट कैश प्राइस का पार्ट होता है, तो ऐड करूंगा तो कैश प्राइस नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये तो नॉर्मल समय, दिस इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर टू, दिस इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर टू। वहां पे क्या लिखा था? बैलेंस इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहां पे हर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल दे दिया, ये हर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल, अगर ये एक्सक्लूडिंग लिखेगा तो ये हर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल है, तो हर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल और डीपी में प्रिंसिपल पार्ट होता। अभी तो इंटरेस्ट एलोकेशन स्टेटमेंट बनाया तुम लोग, तो इसमें नहीं समझाने वाला क्या बात था? बट एनीवेज, एट द एंड ही अंडरस्टूड एंड देयर वाज लॉट ऑफ सॉरीज एंड ऑल, बट ठीक है, चलता है। समझ में आ रहा मेरा बात? कॉन्सेप्ट है ये तो। अरे भैया, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, वही तो कैश प्राइस हो गया, तो वैसा सम देगा ही नहीं ना, इतना इजी थोड़ी देगा पांच नंबर के लिए कि गंवार का गंवारगी चेक करो, चेक ही सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसा कुछ नहीं बनाता एग्जाम में। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कैश प्राइस निकालने वाला, तो उसमें बोलेगा इंटरेस्ट अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, राइट? चलिए आइए, हमें पता आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, बट पता नहीं, लोग बदल जाते हैं। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ समय हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? बैक कैलकुलेशन। वाओ, स्टार्ट करें। हाँ आइए, ईयर इंस्टॉलमेंट पेड अमाउंट ड्यू एट द एंड बिफोर इंस्टॉलमेंट ठीक है इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू एट द बिगिनिंग थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट पेड कितना है? 1,10,000। हाँ, तो इंस्टॉलमेंट देने के पहले बाकी कितना था? 1,10,000, क्योंकि देने के बाद जीरो हो जाएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद अमाउंट ड्यू क्या हो जाता है? तो इतना दिया तो देने के पहले इतना ही था। हाँ, तो अमाउंट ड्यू एट द एंड बिफोर इंस्टॉलमेंट, बिफोर इंस्टॉलमेंट इज पेड, राइट? बिफोर इंस्टॉलमेंट इज पेड, तो इंस्टॉलमेंट देने के पहले ये ड्यू था। अब इंटरेस्ट देखो, 1,10,000 में इस साल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो ये 10/110 होगा, 10,000 आएगा। तो एंड वाले से अगर इंटरेस्ट हटा देंगे, 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 तो बिगनिंग वाला आ जाएगा,
हाँ या ना? बोलिए। सेकंड ईयर 98। तो इंस्टॉलमेंट देने के पहले कितना बाकी था? 1 लाख। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग का था, तो वो सेकंड ईयर के एंड में भी होगा, और उसमें इंस्टॉलमेंट ऐड कर दो बैक कैलकुलेशन, राइट? 198 आएगा, पूरा बैक जा रहे हैं, मतलब लाइक दिस आई एम गोइंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कैसे जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस आएंगे। ठीक है ना? सो 198 इंटू 10 बाई 110, 18,000। तो बिगनिंग वाला कितना होगा? 1,80,000। ये सेकेंड ईयर के बिगनिंग का है, तो सेकेंड ईयर के बिगनिंग का फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट देने के बाद आया ना ये। अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो ये 1,80,000 कब आता है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने के बाद कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद? हाँ, तो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है? 1,06,000। तो कैसे आएगा? टू लैख 86। तो 286 10 बाय 110 कितना आ रहा है? 26,000। 2,60,000 आया। हाँ, अब और बैक जाएंगे तो डाउन पेमेंट भी ऐड हो जाएगा। टू सिक्सटी में से 140 ऐड कर दो, 4,00,000 आ गया। 4,00,000 देखो, फॉरवर्ड देखो, अब ध्यान से देखना, फॉरवर्ड दिखा रहा हूं। हाँ, ये प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। 4 है? हाँ, 4 में से डाउन पेमेंट माइनस कर दो, 2,60,000 बचा, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग का आ गया, इंटरेस्ट जोड़ दिया। हाँ, तो एंड वाला आ गया, उसमें से इंस्टॉलमेंट माइनस कर दिया, सेकेंड ईयर के बिगनिंग आ गया, फिर इंटरेस्ट जोड़ दिया, सेकेंड ईयर का एंड आ गया। हाँ, फिर इंस्टॉलमेंट माइनस कर दिया, थर्ड ईयर का बिगनिंग आ गया, फिर इंटरेस्ट ऐड कर दिया, थर्ड ईयर का एंड, इंस्टॉलमेंट माइनस कर दिया, लास्ट में 0। पूरा बैक कैलकुलेशन है। इज इट फाइन? हाँ, तो बैलेंस थर्ड ईयर के बाद 0 है, इंस्टॉलमेंट देने के बाद पहले 1,10,000 था, सेकेंड ईयर के बाद बैलेंस है 1,00,000, इंस्टॉलमेंट देने के पहले 198, फर्स्ट ईयर में बैलेंस है, सेकेंड ईयर में बैलेंस था 1,80,000, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के पहले 1,06,000। डन?
इज दैट फाइन? हाँ, पूरा बैक कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, फुल बैक कैलकुलेशन. बरोबर है, हटा दें. हाँ, अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे. ध्यान दीजिएगा एकदम. परचेजर के लिए कार क्या माना जाएगा? एसेट. हाँ, तुम लोग एसेट में बचपन में पढ़ा होगा कि एसेट खरीदते वक्त अगर कोई दलाली लगती है, ब्रोकरेज ऐड करते हैं. एसेट खरीदते वक्त अगर कोई इंस्टॉलेशन वगैरह एक्सपेंस है तो ऐड करते हैं. कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है तो वो एसेट का कॉस्ट में ऐड होता है. कभी बचपन में ऐसा पढ़ा था, अगर एसेट लोन में लेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी एसेट में ऐड होगा? कभी नहीं पढ़ा था. रिपेयर्स, नया एसेट का रिपेयर ऐड करते हो? सेकेंड हैंड का केस में रिपेयर एक्सपेंडिचर ऐड होता है एसेट का कॉस्ट के साथ में. आज मेरे लिए एसेट का कीमत 4 लाख ही है, जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस माना जाएगा. तो अकाउंटिंग करते वक्त एसेट इज रिकॉर्डेड अंडर व्हाट प्राइस? कैश प्राइस. द एक्स्ट्रा विच आई पे, दैट इज इंटरेस्ट. एंड वो आज थोड़ी देना है, ओवर द इयर्स थोड़ा थोड़ा करके देना है. इज दैट फाइन एवरीवन? हाँ, आइए. सो द अकाउंटिंग गोज लाइक दिस. पहले मैं फर्स्ट ईयर का जर्नल एंट्री करा रहा हूं आपको, ठीक है? इन द बुक्स ऑफ शर्मा, शर्मा को बोला जाएगा हायर परचेजर. फिर मैं सेलर का अकाउंटिंग कराऊंगा आपको. पहले मैं इसका करा रहा हूं, फिर मैं आपको सेलर का कराऊंगा, ठीक है ना? बड़े दिनों बाद मैंने ये स्केल निकाला है. हंसिए मत, आप लोग तो लाते नहीं है. जेलस? हाँ, सच नाइस, वंडरफुल वंडरफुल. वाओ, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट. ठीक है, आइए. सबसे पहले वर्मा जी, मैंने एसेट कब खरीदा है आप बताइए तो, क्वेश्चन पढ़ के. टेल वर्मा, टेल. साल कौन बोलेगा? यस, नहीं तो मैं 2015 वाले बुक्स में अकाउंटिंग कर देता. फर्स्ट जनवरी 14 को मोटर कार अकाउंट डेबिट टू, जिससे मैंने खरीदा है स्टार पोर्ट्स लिमिटेड.
4 लाख 4 लाख। बीइंग एसेट परचेस्ड अंडर एचपी स्कीम रिकॉर्डेड एट कैश प्राइस। भैया मैं मानता हूं क्या 1,40,000 1,06,000 अच्छा 98 और 1,10,000 मैं 454 रुपीज दे रहा हूं, 4,54,000 दे रहा हूं, लेकिन 4,54 का गाड़ी थोड़ी है, गाड़ी तो 4 पेटी का ही है। अभी तो कैलकुलेशन किया, डाउन पेमेंट और सम ऑफ इंस्टॉलमेंट जोड़ के 454 आ रहा है। क्या मैं ये 54,000 गाड़ी के लिए दे रहा हूं? क्या गाड़ी में कोई अलग से सुविधाएं लगा दी गई हैं? फाइनेंस, क्या फाइनेंस के लिए दे रहा हूं, इंटरेस्ट आएगा वो मेरा। हाँ, गाड़ी में कोई एडेड फीचर हो, एक ऐसा मशीन लगा दिया है 200 किलोमीटर का स्पीड में भागेगा गाड़ी, उसके लिए मैंने 54,000 दिया है। स्पीकर लगा दिया, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा दिया है। सीट कवर लगा दिया, उसके लिए दिया है। मैंने एक्स्ट्रा किस लिए दिया? फॉर व्हाट पर्पस आई हैव गिवन एक्स्ट्रा? राइट, तो मैंने जो 54,000 एक्स्ट्रा दिया ना, वो ब्याज दिया है, इंटरेस्ट, और दिया नहीं, दूंगा। क्या दूंगा? तो धीरे धीरे दिखाते जाऊंगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट, राइट, अभी नहीं दिखाऊंगा। तो आज के दिन हमने गाड़ी खरीदी और पूरा का पूरा उधार है, 4 लाख मानते हैं, लेकिन उधार पूरा का पूरा नहीं है। आज के दिन हमने डीपी दिया है। क्या दिया है हमने? डीपी, डाउन पेमेंट। क्या दिया है? डाउन पेमेंट। राइट, तो हमने किसको दिया? पहला एंट्री था हमारा एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, बचपन से फिक्स्ड एसेट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, यहां उधार में खरीदा है तो परचेजर के लिए एसेट है गाड़ी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। क्या बोलेंगे इसको? स्टार स्पोर्ट्स लिमिटेड का नाम है हायर वेंडर। अच्छा सर, हम ना हायर वेंडर को ना डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना दे रहे हो बच्चे? 1,40,000 बीइंग डाउन पेमेंट मेड, मैंने कर दिया डाउन पेमेंट। अच्छा, अब पहला साल के अंत में आ जाइए आप लोग, पहला साल के अंत में आ जाइए। ब्याज, इंटरेस्ट, राइट, हाँ या ना? अच्छा बताओ तो मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। मैं परचेजर हूं, मुझको ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। सर आपने पढ़ाया था बचपन में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अच्छा, पहला साल का इंटरेस्ट कितना था बेटा? बैक कैलकुलेशन वाला देखना, हाँ, कॉलम वाइज मत देख लेना, क्योंकि फर्स्ट रो इज थर्ड ईयर। 26,000 ओके, 26,000 फॉर्मेट में हमारा आ गया 26,000। अच्छा, दे दिया कि देंगे, तो टू स्टार स्पोर्ट्स में डाल दो, लाइबिलिटी बढ़ा दो, स्टार्स पोर्ट्स लिमिटेड बीइंग इंटरेस्ट
क्रेडिटेड टू स्टार स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स को मैंने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, स्टार स्पोर्ट्स को मैंने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। अब वापस से, अब 31 दिसंबर को अब मैं क्या दूंगा, क्या दूंगा मैं, अब बोलो बोलो क्या दूंगा, क्या दूंगा, क्या दूंगा, इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, क्या करूंगा, मैंने फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा सर, स्टार पोर्ट्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है बेटा, कितना पहला इंस्टॉलमेंट 1,00,000, फर्स्ट रो मतलब सॉरी थर्ड रो फर्स्ट ईयर वाला 1,00,000 6,000 बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। अच्छा सर ओ सर सुनिए ना सर डेप्रिसिएशन नहीं देंगे आप, डेप्रिसिएशन नहीं दे, आपके लिए तो एसेट है ना, आपके लिए तो एसेट है ना, ये हायर परचेस स्कीम में नहीं आता ये एंट्रीज, बट सिंस मेरा एसेट है बोल के अपने डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। अच्छा डेप्रिसिएशन सर नॉर्मल एंट्री है सर, क्या बात करते हो सर, क्या बात कर रहे हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, बचपन से यही चीज करते हैं, रट गया है सर हम लोगों को, रट गया है। 4,00,000 की एसेट है सर, आपने 15% एज्यूम करना है, ठीक है मैंने कर लिया बेटा, मैंने कर लिया सर, आपने एज्यूम करना है क्योंकि आपने क्वेश्चन में दिया नहीं है, ओके बेटे ओके, मैंने 4,00,000 का 15% एज्यूम कर लिया, कितना आता है 60,000 रुपये, सर आपने एक और एंट्री करनी, क्या बेटे क्या क्या सर, आपका इस साल इंटरेस्ट देखिए एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंस है, ये क्या है आपका एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस है, ओ अच्छा तो सर आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, अच्छा बेटा अच्छा, डेप्रिसिएशन में आएगी 60,000, इंटरेस्ट में आएगी 26,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्पेसिफिकली डेबिट हो जाएगा 86,000 से। अच्छा क्या मुझको कोई स्कीम ऑफ एंट्रीज बताएगा, क्या मुझको कोई स्कीम ऑफ एंट्रीज बताएगा, बोलो पहला साल एसेट परचेस कब होता है, बिगनिंग की एंड, डाउन पेमेंट बिगनिंग, इंटरेस्ट ड्यू एंड, इंस्टॉलमेंट डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू पीएल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड, सेकेंड ईयर में आओ, 1-1-2015 को, 1-1-2015 को क्या कोई एंट्री होगा, सेकेंड ईयर के बिगनिंग में क्या कोई एंट्री होगा, एसेट तो खरीद चुके बार बार थोड़ी खरीदेंगे, क्या सेकेंड ईयर के बिगनिंग में कोई डाउन पेमेंट है, मतलब सेकेंड ईयर से पहली दो एंट्री नहीं होगी, अब सेकेंड ईयर एंड में चल जाओ, मतलब 31 मार्च 15 को बेटा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वापस से स्टार स्पोर्ट्स में, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था 18,000, हाँ या ना, अच्छा सेकेंड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, स्टार स्पोर्ट्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 98,98, सेकेंड ईयर एंड में क्या मैं डेप्रिसिएशन दूंगा, हाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर सर, SLM की डीबीएम मानते हैं, डीबीएम व्हाट आज अज्यूम, डीबीएम कैसे आएगा बोलो, 4,00,000 में से 60,000 माइनस कर दो, 3,40,000 का 15%, तो 51,000 आएगा डेप्रिसिएशन, हाँ ना, और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इस साल का पीएल में डाल देंगे, बरोबर है ना, तो सर इसमें से रिपीट कौन कौन सा हो रहा है, रिपीट एक सेकंड बेटे आर रिपीट सेकेंड ईयर में ये चारों एंट्रीज रिपीट होगी, थर्ड ईयर क्या एसेट परचेस होगा, सब जन एक साथ बोलो, आस्ते बोलो, क्या डाउन पेमेंट होगा, थर्ड ईयर का एंड मतलब 31 दिसंबर 16, क्या इंटरेस्ट ड्यू दिखाएंगे, इंटरेस्ट टू स्टार स्पोर्ट्स कितना 10,000, वेरी गुड,
क्या थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट देंगे? क्या होगा? स्टार्ट फर्स्ट टू बैंक 1,10,000। क्या थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन आएगा? अच्छा, सेकंड ईयर में बैलेंस था 340 में से 51 माइनस कर दो 289, तो 289 का 15% 43, तो डेप्रिसिएशन टू मोटर कार 43,350 और डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट पीएल में चला जाएगा। फोर्थ ईयर बेटा, एसेट का फोर्थ ईयर, चौथा साल है ये, कितना साल है बेटा? 4 साल। क्या एसेट परचेज आएगा? क्या डाउन पेमेंट आएगा? क्या इंटरेस्ट आएगा? क्या इंस्टॉलमेंट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, खाली डेप्रिसिएशन आएगा अगला चौथा साल से, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो गई है। हाँ या ना? मैं कुछ समझा पा रहा हूं तुमको? इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है मेरा बात? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आइए आप लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का करिए, मैं भी करता हूं। एंट्रीज फटाफट करो। ये फर्स्ट ईयर का जनरल था, सेकेंड ईयर का जनरल करना है, फिर थर्ड ईयर का जनरल करना है। ओ माय गॉड, आप लोग अपना अपना करिए, मैं भी अपना करूंगा। कोई किसी का नहीं देखेगा। जनरल 2015, वर्मा जी आप टेढ़ा टेढ़ा आंख से बोर्ड की तरफ मत देखिए। है ना? थर्टी फर्स्ट डिसंबर पंद्रह आप लोग अपना करेंगे, देखते हैं कौन पहले करता है। ठीक है, हाँ ना? इंटरेस्ट टू स्टार स्पोर्ट्स लिमिटेड 18,000 December 15 स्टार स्पोर्ट्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक 98 98, 31 December 15 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार 340 आ रहा बैलेंस, इसका 15%। सर क्या हाथ चल रहा है आपका? हाँ बेटे, जो मेरा देखेगा केवल, तू मेरा देख देख के नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? मैंने अभी तक वर्मा जी को खाली झाड़ा है, बाकी लोग सतर्क हो जाइए। क्या हुआ गुप्ता जी? कॉपी यहां है सामने की आपके डेस्क में है? नहीं, यहां क्यों देख रहे हो? तुम बैठा क्यों? अगला क्लास से तुम फर्स्ट बेंच में बैठेगा। एंड आई विल मेक श्योर दैट यू सिट इन द फर्स्ट बेंच।
मैं फर्स्ट हो गया। झूठ मत बोलो, अभी मैंने किया, तुम लोग को बोला था ना, जिसका हो जाएगा वो हाथ उठाएगा। मैं फर्स्ट आया हूं। क्या चीज? कितना मार्क्स का? 10 नंबर बेटा। नेक्स्ट क्लास थोड़ा और होगा तब कंप्लीट हो जाएगा मोटा मोटी। ठीक है, मैंने जनरल एंट्रेंस बता दिया। हाँ, हायर विंटर का मैं अगले दिन कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे, बाय।